अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्त बहुत कमेंट्स में पूछते हैं कि गैराज पार्किंग की टेस्ट के बारे में कुछ बताएं, गैराज पार्किंग कैसे होती है, क्या होता है, तो उसके बारे में मैं आपको चंद टिप्स बताऊंगा। आप उनको गौर से देखें और सुनें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो आप आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में, देखते हैं और स्किप मत करना, लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और लास्ट कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। पार्किंग टेस्ट के लिए कुछ अहम मालूमात जो आपको टेस्ट के दौरान याद रखनी है। नंबर एक, सेफ्टी के लिए एक्सीलेटर को 3000 आरपीएम से ज़्यादा ना ले जाएं, क्योंकि ये इंजन बंद होने का सबब बन जाएगा। नंबर दो, अगर गाड़ी किसी भी मखसूस सेंसर को नहीं पढ़ती तो आप उस मैनुअल को छोड़कर दूसरे मैनुअल को मुकम्मल करें, फिर आखिर में उसी मैनुअल को दोबारा करें जो कि रह गया था। नंबर तीन, ऑटोमेटिक गाड़ी का इंजन अगर किसी भी वजह से बंद हो जाए तो आप गियर को प्री पोजिशन पर या न्यूट्रल करें और इंजन दोबारा स्टार्ट करें। नंबर चार, इस वीडियो में जो रेफरेंस पॉइंट दिखाए गए हैं वो आपके कद और सीट की पोजीशन पर मुनासर है, जिसके लिए आपका इंस्ट्रक्टर आपकी मदद करेगा। गाड़ी में बैठने के बाद सीट और बैक रेस्ट को इस तरह एडजस्ट करें कि आपके हाथ और पांव आसानी से गाड़ी के कंट्रोल तक पहुंच सके। सीट बेल्ट बांधें और टेस्ट के अख्तितम तक ना खोलें। साइड शीशों को इस तरह से सेट करें कि ब्रेक लाइट शीशों के ऊपरी कोने पे नजर आए। जब आप तैयार हो जाएं तो कैमरे की तरफ देखते हुए अंगूठा दिखाएं तो टैबलेट से आवाज़ आएगी। फिर शीशों को चेक करें और इर्द गिर्द देखें कि रिवर्स करते वक्त कोई पैदल चलने वाला तो नहीं है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे लेकर जाएं। आप जैसे ही गैराज पार्किंग टेस्ट के सेंसर पर पहुंचते हैं तो टैबलेट से आवाज़ आएगी, दिस इज़ द गैराज पार्किंग टेस्ट। जितना मुमकिन हो सके गाड़ी को सेंटर लाइन के करीब रखें। इस टेस्ट का टाइम 3 मिनट है, जो रिवर्स गियर लगाते ही शुरू हो जाता है। राइट इशारा लगाएं, सेफ्टी पॉइंट चेक करें और गाड़ी आहिस्ता रिवर्स करें। पहला पॉइंट, जब पार्किंग का दूसरा कोना पिछले दरवाजे के कोने के लिखाई के साथ बराबर हो जाए तो स्टीयरिंग मुकम्मल तरफ दाएं मुड़े और दोनों साइड शीशे देखते हुए आहिस्ता रिवर्सिंग तक जारी रखें, यहाँ तक कि गाड़ी पार्किंग में दाखिल हो जाए। जब दोनों तरफ का फासला शीशों में तकरीबन बराबर दिखाई दे तो स्टीयरिंग को वापस सीधी पोजिशन पर घुमाएँ, आहिस्ता रिवर्सिंग जारी रखें यहाँ तक के पार्किंग की पिछली लाइन बाएं तरफ के शीशे में ड्राइवर के दरवाजे के हैंडल के नीचे नजर आए तो फिर गाड़ी रोक दें। फिर मैनुअल गियर को न्यूट्रल करें और ऑटोमेटिक गाड़ी को प्री पोजिशन ब्रेक इस्तेमाल करें, फिर हैंडलेट से आवाज़ आएगी एग्जिट फ्रॉम द पार्किंग वे। बाहर निकलने के लिए आगे जाने वाला गियर लगाएं, हैंड ब्रेक नीचे करें, राइट इशारा लगाएं, सेफ्टी पॉइंट चेक करें, सामने की तरफ आहिस्ता बढ़ें यहाँ तक के पार्किंग की बाई लाइन बाएँ कंधे के साथ बराबर हो जाए तो बाहर निकलने के लिए स्टीयरिंग को मुकम्मल तरफ दाएं मोड़ लें और पार्किंग से बाहर निकल जाएं। दिस इज द पैरेलल पार्किंग टेस्ट।
अपनी गाड़ी को थोड़ा राइट की तरफ इस तरह रखें कि पार्किंग की लाइन राइट साइड के शीशे में नज़र आए। इस टेस्ट का टाइम 5 मिनट है जो कि रिवर्स गियर लगाते ही शुरू हो जाता है। राइट इशारा लगाएं, सेफ्टी पॉइंट्स चेक करें और आहिस्ता गाड़ी रिवर्स करें। पहला पॉइंट, पार्किंग की गोलाई साइड शीशे से जैसे ही गायब हो जाए तो स्टीयरिंग को मुकम्मल तरफ दाएं मोड़ लें और आहिस्ता रिवर्सिंग जारी रखें, यहाँ तक कि पार्किंग की सफ़ेद लाइन ड्राइवर के दरवाजे के हैंडल के नीचे आ जाए। तो स्टीयरिंग को मुकम्मल बाएं तरफ घुमाएं और आहिस्ता रिवर्सिंग जारी रखें, यहाँ तक कि गाड़ी पार्किंग के अंदर साइड शीशों से नज़र आ जाए तो गाड़ी रोक दें। फिर मैनुअल को गियर को न्यूट्रल करें और ऑटोमेटिक गाड़ी को प्री पोजीशन में रखें और हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करें। फिर टेप से आवाज़ आएगी, एग्जिट फ्रॉम द पार्किंग वे। बाहर निकलने के लिए आगे जाने वाला गियर लगाएं, हैंड ब्रेक नीचे करें और लेफ्ट इशारा लगाएं। सेफ्टी पॉइंट चेक करें और पार्किंग से आहिस्ता बाहर जाएं। जब गाड़ी का राइट लाइन पीली लाइन के साथ बराबर हो जाए तो स्टीयरिंग को राइट मोड़ लें और मुकम्मल बाहर आ जाएं। दिस इज द एंगल पार्किंग टेस्ट। आपको चाहिए कि अपनी गाड़ी जितना मुमकिन हो सके सेंटर लाइन के करीब रखें। इस टेस्ट का टाइम जो 2 मिनट है जो कि राइट इशारा लगाते ही शुरू हो जाता है। सेफ्टी पॉइंट चेक करें। पहला पॉइंट, जब पार्किंग की पहली लाइन दाएं साइड शीशे के फ्रेम के नीचे आ जाए तो स्टीयरिंग को मुकम्मल तरफ मोड़ लें और पार्किंग की तरफ आहिस्ता जाएं। दूसरा पॉइंट, जब पार्किंग का बायां कोना स्टीयरिंग के ऊपरी हिस्से के बराबर हो जाए या बाएं तरफ के शीशे का फ्रेम पीली बाएं लेन के सामने बराबर हो जाए तो स्टीयरिंग को वापसी सीधी पोजीशन पर घुमाएं और आगे जाना जारी रखें। तीसरा पॉइंट, जब पार्किंग की सफ़ेद लाइन ड्राइवर के दरवाजे के हैंडल के नीचे से आ जाए जो कि बाएं साइड के शीशे के नीचे नज़र आ जाए, फिर मैनुअल गियर को न्यूट्रल करें और ऑटोमेटिक गाड़ी को प्री पोजीशन पर रखें और फिर हैंड ब्रेक इस्तेमाल करें। तो टेबलेट से आवाज़ गई। बाहर निकलने के लिए रिवर्स गियर लगाएं, हैंड ब्रेक नीचे करें, राइट इशारा लगाएं, सेफ्टी पॉइंट चेक करें और आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलें, यहाँ तक के लेफ्ट साइड के शीशे का लेफ्ट साइड का फ्रेम लेफ्ट साइड की पीली लाइन के साथ बराबर हो जाए तो स्टीयरिंग को मुकम्मल राइट टर्न कर लें और पार्किंग से मुकम्मल बाहर निकल जाए। दिस इज द स्लोप टेस्ट। टेस्ट का टाइम 90 सेकंड से जो कि अगला बम्पर सफ़ेद एंट्री लाइन क्रॉस करके शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते रहें, जब पीली लाइन सामने विंडो स्क्रीन से गायब हो जाए तो गाड़ी रोक दें और हैंड ब्रेक इस्तेमाल करें। याद रहे, आपकी गाड़ी दोनों लाइन के दरमियान करीब होनी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए मैनुअल गाड़ी में क्लच और एक्सीलेटर को इस तरह बैलेंस करें कि गाड़ी फ्रिक्शन पॉइंट पर आ जाए, तो हैंड ब्रेक नीचे करें और आगे बढ़ें। ऑटोमेटिक गाड़ी में एक्सीलेटर रीडर को 1500 RPM तक लाएं, फिर हैंड ब्रेक नीचे करें और आगे बढ़ें। दिस इज द इमरजेंसी ब्रेक टेस्ट। टेस्ट का टाइम 90 सेकंड से जो गाड़ी के सेंसर पर आते ही शुरू हो जाता है। मैनुअल गाड़ी दूसरे गियर पे होनी चाहिए। गाड़ी की स्पीड 25 किलोमीटर हो जो कि टेस्ट के लिए बेहतर है। जब गाड़ी सफ़ेद एंट्री लाइन क्रॉस करती है तो आपको बीप की आवाज़ सुनाई देगी, जिसे सुनकर आपको फौरन ब्रेक लगाना है। इस दौरान स्टीयरिंग को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ें। गाड़ी रोकने के बाद अपने इर्द गिर्द चेक करें और इमरजेंसी ट्रैक से बाहर जाएं।